हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि गोल्ड एलॉय ज्वेलरी से फाइन गोल्ड कैसे सेपरेट करें, रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी फ्रॉम ओल्ड गोल्ड, ओल्ड गोल्ड से फाइन गोल्ड हम कैसे बनाएं, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड एलॉय ज्वेलरी टू फाइन गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी को फाइन गोल्ड में कैसे चेंज कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेरी वीडियो का टॉपिक है प्रोसीजर फॉर रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एलॉय फ्रॉम गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड एंड प्योर सिल्वर। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गोल्ड एलॉय ज्वेलरी से हम प्योर गोल्ड कैसे बनाएंगे बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड एंड प्योर सिल्वर। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको डिस्कस करूंगा। स्टेप वन में क्या करते हैं, हम गोल्ड एलॉय ज्वेलरी लेंगे और उसको वेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे हम उसको क्या वे करेंगे, वेव करने के बाद हम उसका वेट नोट कर लेंगे। आज हम मैंने लिया है 500.896 ग्राम ऑफ गोल्ड ज्वेलरी फॉर रिफाइनिंग। इसके बाद स्टेप टू में क्या करूँगा, मेल्ट द गोल्ड एलॉय विद द ट्वाइस ऑफ मोर देन ट्वाइस ऑफ सिल्वर प्योर सिल्वर। मेक द एलॉय एज थिन एज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रोलिंग मशीन। इट टेक लेस टाइम टू इलिमिनेट ऑल द अदर मेटल एक्सेप्ट गोल्ड। तो हम क्या है, गोल्ड एलॉय ले लिया हमने, उसको वे कर लिया। वे करने के बाद हम उसमें क्या है, उसको मेल्ट करेंगे मेल्टिंग फर्नेस में। जितने हमारे पास एलॉय है उसका 2 गुना या 2.5 गुना क्या है सिल्वर, प्योर सिल्वर उसमें मिलाएंगे और उसको मेल्ट करने के बाद उसको रोलिंग मशीन से स्ट्रिप बना लेंगे। इसके बाद स्टेप थ्री में क्या करेंगे, हम फोल्ड द एलॉय एंड पुट इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसके बाद एलॉय को फोल्ड कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रख देंगे। इसके बाद स्टेप फोर में क्या करेंगे, अब क्या करें, हम नाइट्रिक एसिड को क्या है उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देंगे और उसका रिएक्शन करवाएंगे। टिल तब तक रिएक्शन करवाएंगे जब तक कि ऑल द नाइट्रस फ्यूम बिल सीजे, सभी नाइट्रस फ्यूम निकल ना जाए। इसके बाद हम स्टेप फाइव में क्या करेंगे, इसके बाद फोर, ऑल द बाई प्रोडक्ट क्रिएटेड इनटू हाफ फिल वाटर बॉकेट बिकॉज इट कंटेन ऑल द सिल्वर। और जिसमें हमारा क्या जो बाई प्रोडक्ट बनेगा उसको हम एक अलग से बकेट में स्टोर करते जाएंगे जी, क्योंकि उसमें एक सिल्वर, सारा सिल्वर होता है। इसके बाद स्टेप सिक्स में क्या करेंगे, रिंस द फ्लॉक सेवरल टाइम विद द डिस्टिल वाटर जस्ट टू श्योर ऑल द नाइट्रिक एसिड वंस अगेन एंड लेफ्ट इट ऑन द बॉइलिंग फ्लेम फॉर फ्यू मिनट। इसके बाद हम क्या है अपनी सिक्योरिटी के लिए रिंग को क्या करेंगे, वो वॉल्यूमेट फ्लास्क को रिंग करेंगे डिस्टिल वाटर से सेवरल टाइम कई बार, जिससे कि वो उसमें सारा एसिड निकल जाए और उसको हम फ्लेम पे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। फिर स्टेप सेवन में क्या करेंगे, आफ्टर रिएक्शन कम्प्लीट रिंग द गोल्ड सेवरल टाइम विद टू इलिमिनेट एसिड। और इसके बाद जब सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम उसको सेवरल टाइम वाटर से वॉश करेंगे जिससे कि एसिड उसमें से सारा निकल जाए। इसके बाद स्टेप एट में करेंगे, कलेक्ट द ऑल द गोल्ड इन द थिन पेपर देन मेल्ट इट यूज बोरेक्स, इट विल हेल्प मेल्टिंग। इसके बाद हम बोरेक्स को मिलाकर उसमें क्या करेंगे, ग्रेफाइट क्रूसिबल में और मेल्टिंग फर्नेस में हम उसको मेल्ट करेंगे। बोरेक्स इसलिए डालते हैं, वो मेल्टिंग में हेल्प करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा 999.95 पीपीडी का गोल्ड हैज बीन रिकवर्ड, हमें क्या है मिलता है और उसको प्योरिटी एक्सआर मशीन से चेक कर लेंगे। फिर हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ फाइन गोल्ड प्रेजेंट इन गोल्ड विद द हेल्प ऑफ प्योरिटी ऑफ एलॉय। अगर आपको गोल्ड एलॉय का वेट ऑफ प्योरिटी पता है तो उसमें फाइन गोल्ड कितना है आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम एक फॉर्मूले से समझेंगे। फाइन गोल्ड इक्वल होता है वेट ऑफ गोल्ड एलॉय मल्टीप्लाइड बाय प्योरिटी ऑफ गोल्ड। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन कैलकुलेट द वेट ऑफ द फाइन सिल्वर, कैलकुलेट वेट ऑफ फाइन गोल्ड प्रेजेंट इन 89.69 ग्राम ऑफ गोल्ड एलॉय हैविंग प्योरिटी 92.56%। तो इसका आंसर गिवन, वेट ऑफ गोल्ड एलॉय कितना 89.69 ग्राम, प्योरिटी ऑफ गोल्ड एलॉय कितना 92.56 ग्राम। कैलकुलेट फाइन गोल्ड, इसमें फाइन गोल्ड कैलकुलेट करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि फाइन गोल्ड इक्वल
टू होता है वेट ऑफ गोल्ड ले लाए मल्टीप्लाइड प्योरिटी ऑफ गोल्ड ले लाए, सो फाइन गोल्ड इक्वल टू हो जाएगा 89.69 मल्टीप्लाइड बाई 92.56%। फिर आपका मल्टीप्लाई कराने पे हमारा प्योर फाइन सिल्वर फाइन गोल्ड कितना आएगा 83.01 ग्राम ऑफ। ठीक है, अब इस प्रोसेस को पूरा मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये वीडियो में मैं थोड़ा टॉपिक था क्या कि फाइन गोल्ड को कैसे रिफाइन करोगे। अगर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड एलॉय आर्टिफैक्ट है उसको क्या है नाइट्रिक एसिड और प्योर सिल्वर की मदद से उसको क्या है फाइन गोल्ड कैसे बनाएंगे, इसका स्टेप वन है टेक गोल्ड लेला है। जो भी हमारे पास गोल्ड लेला है उसको लेंगे वे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वे करने के बाद क्या करेंगे उसका वेट नोट डाउन कर लेंगे। हमने आज लिया है 500.896 ग्राम गोल्ड रिफाइनिंग के लिए। फिर स्टेप टू में क्या करेंगे मेल्ट करेंगे गोल्ड को उसमें प्योर सिल्वर मिला के, प्योर सिल्वर में कितना मिलाएंगे उसका दोगुना या उससे दोगुना से ज़्यादा मतलब ढाई गुना भी ले सकते हैं। फिर उसको क्या करेंगे मेल्टिंग करने के बाद फोल्ड करेंगे, फिर उसको बाद पतली स्ट्रिप बनाएंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। पतली स्ट्रिप बनाने के बाद क्या करेंगे उसको क्या है उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेने के बाद उसमें हम क्या है नाइट्रिक एसिड डालेंगे। नाइट्रिक एसिड डालने के बाद उसको हीट करेंगे, तब तक हीट करेंगे जब तक कि उसमें ऑल नाइट्रस फ्यूम्स निकल न जाए। जब वाइट फ्यूम आने लग जाए तो मतलब कि सारी नाइट्रस फ्यूम निकल गई। इस फिर इसके बाद क्या करेंगे पोर ऑल द बाई प्रोडक्ट क्रिएटेड इनटू हॉट फिल्ड वाटर, जो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बाई प्रोडक्ट क्रिएट होता है उसको अलग से कंटेनर में स्टोर करते रहेंगे। इसके बाद रिंज द फ्लास्क सेवरल टाइम विद द डिस्टिल्ड वाटर जस्ट टू श्योर एड नाइट्रिक एसिड वंस अगेन एंड लेफ्ट इट ऑन द फ्लेम फॉर फ्यू मिनट। इसमें उसको वाटर से रिंज करने के बाद एक बार हम उसे नाइट्रिक एसिड और डालेंगे कि हमारे शोर हो जाए इसमें कोई और सिल्वर तो बचा नहीं। इसके बाद हम उसको दोबारा से रिंज करेंगे, आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा दोबारा से रिंज करेंगे सेवरल टाइम विथ डिस्टिल वाटर टू एलिमिनेट द एसिड, उसमें जितना बेसिक होगा उसको निकालने के लिए। फिर इसके बाद क्या करें कलेक्ट द ऑल द गोल्ड इन अ थिन पेपर पेपर देन मेल्ट इट यूज बोरेक्स इट विल हेल्प इन मेल्टिंग। इसके बाद उसको एक थिन पेपर पर कलेक्ट कर लेंगे और बोरेक्स की मदद से उसको मेल्ट करेंगे मेल्टिंग फर्नेस में। मेल्टिंग के करने के बाद हमें क्या है 999.9 PPT का गोल्ड मिल जाएगा। इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ फाइन गोल्ड प्रेजेंट इन गोल्ड विद गोल्ड एलॉय विद द हेल्प ऑफ प्योरिटी ऑफ एलॉय। अगर आपको गोल्ड कोई गिवन है गोल्ड एलॉय है आपके पास उसकी प्योरिटी आपको पता है तो उसमें फाइन गोल्ड कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला है फाइन गोल्ड इक्वल टू होता है वेट ऑफ गोल्ड एलॉय मल्टीप्लाइड प्योरिटी ऑफ गोल्ड एलॉय। इसके एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कैलकुलेट द वेट ऑफ फाइन गोल्ड, यहाँ पे सिल्वर आ गया या यहाँ पे आप गोल्ड पढ़ना है प्रेजेंट इन 89.6 ग्राम ऑफ गोल्ड एलॉय हैविंग प्योरिटी 92.56। आप लिख लो इसमें क्या गिवन क्या है वेट ऑफ गोल्ड एलॉय गिवन है 89.69 ग्राम, इसके बाद प्योरिटी ऑफ गोल्ड एलॉय कितना है 92.56% है। कैलकुलेट फाइन गोल्ड इसमें आपको कैलकुलेट करना है। वी नो दैट हमें पता है कि फाइन गोल्ड इक्वल टू होता है वेट ऑफ गोल्ड एलॉय मल्टीप्लाइड बाय प्योरिटी ऑफ गोल्ड एलॉय, सो फाइन गोल्ड इक्वल टू वेट ऑफ गोल्ड जितना था हमारे पास 89.69 मल्टीप्लाइड किया उसको प्योरिटी से, प्योरिटी कितनी थी 92.56%। इसके बाद हमारा इसमें फाइन गोल्ड कितना आ जाएगा 83.01 ग्राम ऑफ फाइन गोल्ड। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे आपको ये रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्लीज़ हिट कर दीजिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अगर गाइज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मेरे चैनल आयुष्मान एचडी पॉइंट पे टोटल 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं और सारी हॉलमार्किंग या गोल्ड या सिल्वर से रिलेटेड हैं, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड और गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड हैं। अगर आप एक हॉलमार्किंग का बिजनेस करना चाहते हैं या गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड हैं तो वीडियो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैं आपको याद दिला देता हूँ मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। अगर किसी भाई को ज्वेलर को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे कमेंट में आप वो कर दीजिएगा तो मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए,
तो आप अगर वीडियो पे मेरे चैनल पे आए बिजी करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों ने, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।